नाम है संदीप और मैं कोल्हापुर से बोल रहा हूँ जो कि महाराष्ट्र में। आज एक नया प्रोडक्ट और एक हमने आपके लिए पेश किया हुआ है जिसका नाम है वर्टिकल चर्नर 20 लीटर्स। ये देख सकते हैं आप, इसको -31 डिग्री टेम्परेचर आ रहा है। ये मैं मशीन अभी ऑफ कर रहा हूँ ताकि वीडियो में साउंड मशीन का ना आए। इस मशीन की खासियत मैं आपको बताना चाहता हूँ। पहले की वीडियो में आपने मेरा देखा होगा, मैंने उसमें 5 लीटर्स का वर्टिकल चर्नर डाला हुआ था, लेकिन ये जो मशीन है ये 20 लीटर्स है। इसमें आप नेचुरल आइसक्रीम ये निकाल सकते हैं। ये पर बैच यानी आपका पर बैच लगभग 20 मिनट में निकल जाएगा। इसका ओवररन जो है आइसक्रीम का जो ओवररन निकलेगा आपका वो लगभग 40-50% ओवररन निकलेगा। यानी इसमें आपने 12-30 लीटर मिल्क डाला तो इसमें से 20 लीटर आइसक्रीम आपका निकलेगा। इसको यहाँ पे हमने कैपिंग किया हुआ है, कैप है इसको। इसको टॉप से इनलेट है, जो आपका बेस है मिल्क का जो बेस है वो आप इसमें डाल के इसको बॉटम से आउटलेट दिया हुआ है हमने। इसमें आप 4 लीटर का बल्ब, 1 लीटर का पैक, कप्स, टब्स, बहुत सारे प्रकार के आप इसमें कंटेनर्स में भर सकते हैं। और ये मल्टीपर्पज यूज के लिए मशीन है जिसमें आप जिलेटो बना सकते हैं, नेचुरल आइसक्रीम, सोरबेट, ये सब ऑल इन वन मशीन है। और बहुत ही यूजर फ्रेंडली मशीन है, डिजाइन किया हुआ हमने, इजी टू क्लीन है। ये ऊपर से आप पानी वगैरह डाल के आप नीचे से वॉश कर सकते हैं और ये ब्लेड्स वगैरह सब निकलता है। ये भी आपको पूरा वीडियो में आपको मैं दिखाऊंगा। इसको हमने ट्रांसपेरेंट लीड भी दिया हुआ है, यानी जब आपका आइसक्रीम बनता है तो आपको इसमें से पूरा ट्रांसपेरेंट दिख जाएगा, वो भी दिखाऊंगा। और इसका मैं आपको आइसक्रीम निकाल के भी मैं आपको डेमो दूंगा। ये पूरा एसएस में, पूरा स्टेनलेस स्टील में, फूड ग्रेड में, लॉन्ग लाइफ है मशीन, मेंटेनेंस फ्री मशीन है। आइसक्रीम बनते वक्त आप देख सकते हैं ये जो चर्नर है अभी, ये 20 लीटर्स का, ये 3 फेज में। आप अगर सिंगल फेज में चाहिए तो 5-10 लीटर तक हम सिंगल फेज में कर सकते हैं, और 20-40-50 लीटर ये 3 फेज में हो जाएगा। और इसमें आप अलग अलग ड्राई फ्रूट्स वगैरह पूरा ऐड करके उस बॉटम से आउटलेट आप निकाल सकते हैं। और इसमें और एक खासियत ये बात है कि अगर आपको इसमें लाइव स्कूपिंग करके देना है तो इसमें आप फ्रीजिंग कर सकते हैं, फ्रीजिंग करके आप स्कूपिंग कर सकते हैं। बहुत ही प्रीमियम क्वालिटी आइसक्रीम निकलता है इसमें। और इसमें आप फ्रेश फ्रूट ये सब ऐड कर सकते हैं। आप देख सकते हैं, ये देखिए, इसको हमने ये पूरा साइड में पूरा पैनलिंग होगा, पूरा शट डाउन होगा। ये अभी मैं दिखा रहा हूँ, दिखाने के लिए इसका पैनल निकाला हुआ है। इसको हमने इमर्सन का 3 फेज में कॉम्प्रेसर बिठाया हुआ है, इसको 2 HP का मोटर बिठाया हुआ है, इसको गेयर बॉक्स है, इजी टू ऑपरेट है। ये सेम आपने मेरे बहुत सारे वीडियोस देखे होंगे। ये जो स्विच जो हमारा है, ये एक ही स्विच पूरा हमारे चर्नर और वर्टिकल चर्नर को, यानी हॉरिजॉन्टल चर्नर और वर्टिकल चर्नर को एक ही स्विच आता है। ये देख सकते हैं, ये हमारा हॉरिजॉन्टल चर्नर है, ये 10 लीटर का है, इसको भी स्विच वही है। इसमें जो आइसक्रीम निकलेगा ये टूथपेस्ट फॉर्म में आइसक्रीम निकलेगा, और इसमें बहुत ही बड़े आइसक्रीम आपका हेवी आइसक्रीम नेचुरल निकलेगा जो कि ग्रीस बेस में निकलेगा, ग्रीस बेस में। और चर्नर में बहुत सारे मॉडल्स है, ये सबसे हाई क्लास मॉडल यानी सबसे बेस्ट मॉडल है नेचुरल आइसक्रीम के लिए वर्टिकल में। इसमें आप उसके बाद आपका जो होगा हॉरिजॉन्टल में, इसमें टूथपेस्ट बेस जैसा आइसक्रीम निकलेगा। इसमें और एक मॉडल है जिसमें आपको एयर फॉर्मेशन में निकलेगा। ये 3 बेस है। अभी इसका मैं मशीन आपको ऑन करके मशीन कैसा ऑपरेट होता है ये भी आपको दिखाऊंगा, और इसमें आइसक्रीम कैसा बनता है ये भी दिखाऊंगा। पहले तो आपको ये मशीन का स्विच का बारे जानकारी दे देता हूँ। अभी मैंने ये ऑफ पे रखा हुआ है, ये पहले बीट बोले तो आपका जो अंदर का ब्लेड से वो घूमता रहेगा। उसके बाद कूलिंग है, यानी कॉम्प्रेसर चालू होगा और पूरा डोम को, जो अंदर का जो डोम है वो पूरा कूलिंग हो जाएगा, और वो कूलिंग होने के बाद यहाँ पे टेम्परेचर अपने को इंडिकेट करेगा। उसके बाद कूल और बीट है, यानी जब आप माल डालेंगे इसमें, जो आपका बेस बनाया हुआ है, जो भी सीताफल चिक्कू जो आप डालेंगे, उसके बाद वो कूल और बीट पे लेने का, यानी कूलिंग भी चालू रहेगा और आपका ब्लेड्स भी घूमना चालू रहेगा और आइसक्रीम बनना चालू हो जाएगा। अभी ये ब्लेड्स निकाल के मैं आपको दिखाऊंगा ये एक्चुअली कैसा वर्कआउट होता है। बहुत ही ईजी है ऑपरेटिंग के लिए, बहुत ही ईजी है। यहाँ
आपको दो स्क्रू निकालना पड़ेगा। ये देखिए, ये उठाने के बाद इसका ब्लेड्स निकल जाएगा और इसको स्क्रैपर दिया हुआ है। ये देखिए, ये यहाँ से नीचे से आउटलेट है, बॉटम आउटलेट। यहाँ से आउटलेट है, आइसक्रीम जो है आपका वहां से बाहर आएगा। ये देखिए, मैं ब्लेड्स वापस डाल रहा हूँ। ब्लेड्स डाल दिया मैंने। इसका कैप है, ट्रांसपेरेंट लीड कैप है इसका। अंदर जो माल बन रहा है वो भी दिखेगा आपको। ये देखिए, ये अभी मैं ऑन कर रहा हूँ, ये पहले तो बीट चालू होगा। बीट बोले तो अंदर का ब्लेड घूमेगा। ये देखिए, ब्लेड घूम रहा है, आप देख सकते हैं। इसको पूरा डोम को आइस आया हुआ है, पूरा फ्रीजिंग आया हुआ है। और इसके बाद ये कॉम्प्रेसर चालू हो जाएगा। ये देखिए, कॉम्प्रेसर चालू हो गया, फैन घूम रहा है। अभी आपको आइसक्रीम निकाल के मैं उसका भी, जैसा कि आप देख सकते हैं मशीन ऑन है, -31 डिग्री टेम्परेचर आया हुआ है इसको। ये हमारा बेस रेडी है, सीताफल बेस। ये देख सकते हैं आप, इसमें पूरा सीताफल, हमारा मिल्क बेस और सीताफल ऐड किया हुआ है। ये देख सकते हैं आप, इसमें सीताफल हमने ऐड किया हुआ है। अभी ये इसमें ऐड करने वाले हैं। अभी जब आप ऐड करेंगे, यानी ये कूलिंग तो पूरा डोम को आया हुआ है, जब आप दूध इसमें जो बेस आपका ऐड करेंगे, तब आप ये कूल और बीट पे लेंगे। डालो, ये देखिए सर, ये अभी बीटर चालू हो गए इसका। अभी हम 10 लीटर ऐड कर रहे हैं। इसमें हमने 6 लीटर मिल्क और 4 केजी सीताफल यानी कस्टर्ड एप्पल ऐड किया हुआ है। 6 लीटर ऑफ मिल्क और 4 केजी कस्टर्ड एप्पल ऐड किया हुआ है। ये डिग्री उतरना चालू हो गया है। आइसक्रीम कैसा बनता है एक थोड़े देर के लिए, कम से कम इसको 20 मिनट्स लग जाएगा, 20 मिनट। उसके बाद वापस हम वीडियो कॉल करेंगे। थैंक यू। ये देख सकते हैं आप, इसमें हमने कस्टर्ड एप्पल आइसक्रीम निकाला हुआ है, सीताफल आइसक्रीम। पूरा आइसक्रीम बन चुका है। ये यहाँ से सामने से आउटलेट है इसको। देखिए इसका टेक्सचर फॉर्म, देखिए आप कितना बेहतर टेक्सचर आया हुआ है इसको, आइसक्रीम को। अभी ये ठीक हुआ है ज्यादा, ये आप अभी ये कूल और बीट पे है, यानी कूलिंग भी चालू है और बीट पे चालू है। ये आप मशीन मैंने ऑफ कर दिया, मशीन ऑफ करके ये आप बीट पे ले सकते हैं और पूरा मटेरियल माल आप अंदर का सब पूरा निकाल सकते हैं। ये पूरा देखिए, आपको सीताफल भी दिख रहा है इसमें, सीताफल का स्लाइसेस भी दिख रहा है इसमें। और अगर आप चाहे तो ऊपर से फीडिंग भी कर सकते हैं, जो फ्रूट फीडिंग है आप ऊपर से आप ऐड कर सकते हैं, ड्राई फ्रूट्स भी ऐड कर सकते हैं। एक घंटे में लगभग आपका 50-60 लीटर आइसक्रीम निकलता है इसमें। बहुत ही बेहतर बिजनेस है ये। आजकल क्लाउड किचन का बहुत फॉर्म है और हाउस होल्ड वुमन के लिए भी बहुत ही बेहतर है। आप ऑनलाइन ऑर्डर ले सकते हैं,
जैसे कि स्विगी जोमेटो ये कंपनी को भी आप प्रोवाइड कर सकते हैं पार्सलिंग के लिए। मशीन का हमारा एक साल का गारंटी है, डेढ़ साल का हमारा कंप्रेसर का गारंटी है। ये देखिए पूरा पूरा ठीक हो गया है, मैंने अभी कंप्रेसर ऑफ किया हुआ है और सिर्फ अंदर का ब्लेड घुमा के आइसक्रीम निकाल रहा हूँ। ऐसे डिफरेंट वैरायटी अभी एक और एक बैच हम बना के आपको दिखाने वाले हैं जो कि रेड पेरू आइसक्रीम है यानी रेड गोवा आइसक्रीम, ये भी आपको निकाल के हम ट्रायल देंगे। लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को और आप दूसरा भी आप मेरे फ्लेवर आप देख सकते हैं। एक थोड़ा देर के लिए मैं ब्रेक लेता हूँ। जैसे कि मैंने आपको अभी सीताफल आइसक्रीम निकाल के दिखाया है, इसमें हमने 9 लीटर्स मिल्क यानी सीताफल मिल्क, उसमें हमने जो बेस है उसमें हमने 6 लीटर मिल्क और 3 kg सीताफल ऐड किया था। बहुत ही बेहतर निकला आइसक्रीम। अभी मैं सेकंड फ्लेवर आपको जो दिखाने वाला हूँ वो है पेरू आइसक्रीम, रेड पेरू यानी रेड गोवा आइसक्रीम, वो भी आपको अभी दिखाने वाला हूँ मैं अभी आपको। ये देखिए ये अभी कूलिंग पे है, इसको मैं वापस कूल और बीट पे ले रहा हूँ। पहले बैच जो हमने बनाया सीताफल आइसक्रीम का उसको 30% ओवररन निकला, 30% 30% ओवररन निकला। अभी ये बैच बनाएंगे इसका भी ओवररन कितना निकलता है वो भी आपको बताएंगे। थैंक यू, कंटिन्यू वॉचिंग कीजिए। थैंक यू। ये अभी सेकंड फ्लेवर जो कि पेरू आइसक्रीम है ये भी बन गया, ये देख सकते आप पेरू आइसक्रीम पूरा रेडी हो गया है, रेड पेरू दो आइसक्रीम। इसका भी टेक्सचर देखिए आप, बहुत ही बेहतरीन आइसक्रीम निकला हुआ है, बहुत ही बेहतरीन आइसक्रीम निकला हुआ है। ये देखिए पिछली बार जो हमने सीताफल बनाया वो बहुत ही ज्यादा ठीक हो गया था, ये अभी परफेक्ट हो गया है। ये अभी मैं वापस इसका कूलिंग ऑफ करके, ये देखिए कूलिंग कंप्रेसर अभी बंद हो गया, पूरा ऑफ हो गया, आइसक्रीम भी निकलना रुक गया। अभी ये माल निकालने के लिए इसको मैं बीटर पे ले रहा हूँ। ये बीट पे लिया, आइसक्रीम निकलना चालू हो गया। तो यही प्रोसेस है हमारा। लगभग 30% ओवररन निकला हुआ है, 30% ओवररन निकलता है। मशीन का हमारा एक साल का गारंटी है, कंप्रेसर का हमारा डेढ़ साल का गारंटी है। हमारा आदमी जगह पे आके आपको पूरा आइसक्रीम वगैरह निकाल के पूरा आपको डेमो देगा। अभी ये मशीन अभी हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं क्योंकि ये मशीन हमारा दुबई जा रहा है, दुबई के लिए मशीन है। बहुत सारे मशीन से हमने एक्सपोर्ट किया हुआ है, हमारे न्यूजीलैंड में मशीन है, ऑस्ट्रेलिया में मशीन है। ये मशीन जो फिलहाल है ये अभी हमारा मशीन दुबई जा रहा है। हमारा चैनल आप देख सकते हैं, बहुत सारे चैनल में हमारा वीडियोज है। आप सोलंकी रेफ्रिजरेशन जो कि हमारा यूट्यूब पे चैनल है, हमारा चैनल चेक कर सकते हैं, देख सकते हैं। हमारा चैनल पे लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू।